काफ़ी बड़ा गार्डन है दोस्तों, लाल बाग। अब पीछे मैं आपके लिए यहाँ से कवर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप ये पीछे देखिए, आप जैसे अमूमन फिल्मों में जो आप शूटिंग में दिखाया करता कि पेड़ ही पेड़ है, और तो उसी प्रकार का मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग एक अंदर आ गए हैं ग्राउंड के, तो रोड से क्रॉस के यहाँ से मैं आपके लिए कवर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया ऑक्सीजन का मैं अनुभव कर पा रहा हूँ यहाँ। और यहाँ पर एक पेड़ का नाम है फिस्कस क्रिश्चन है। दिस इज़ अ फैसिनेटिंग ट्री ऑफ स्मॉल हैबिट, प्रोवाइड क्लीन शेड एंड हैज यूनिक लीव्स विच आर फोल्डेड एंड अपीयर लाइक स्मॉल कोन्स और कप्स नोन एज कृष्णास बटर कप। एज लेजेंड गोज, लॉर्ड कृष्णा वॉज टेकिंग बटर विद द हेल्प ऑफ दिस लीव कप। तो बहुत बढ़िया ये पेड़ है दोस्तों, कृष्ण भगवान के ऊपर ये नाम दिया गया पेड़ का। छोटा पेड़ है, काफ़ी छायादार है, और इसकी पत्ती जो है ऐसे गोल घूम जाते हैं कप के रूप में। इसी से कृष्ण भगवान जो है मक्खन निकाला करते थे ऐसे करके, इसमें पुरानी कहानी है जिसे बताए हैं। तो दोस्तों, यहाँ तो बस चलते जाना है, और मैं चाहता हूँ आप बस पेड़ों का नज़ारा लें, क्योंकि कहने के लिए शब्द नहीं, इतना शानदार भगवान का रचना मैं देख पा रहा हूँ। इतना बेहतरीन एटमॉस्फेयर है यहाँ का, पेड़ पौधों और फूलों की खुशबू आ रही है, और बिल्कुल शांत वातावरण है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, पेड़ों की चहचहाट भी आप सुन पा रहे होंगे, जो हमारे शहरों में अमूमन देखने को नहीं होती है। और दोस्तों, ये देखने के बाद आप इमेजिन कर सकते हैं बहुत ही शानदार। उधर क्लोज है क्या? उधर बंद है? क्लोज, इधर से जाना है। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि यहाँ पर पक्षियों के, चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे, और ये इतना शानदार अनुभव इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे पेड़ पौधे हैं जिन पे चिड़िया अपना घोंसला बनाते हैं, जिसमें अपना खाना वगैरह इसमें उनको मिल जाता है। और इस प्रकार का स्वर्ग आप शहरों में, कॉलोनियों में देखना लगभग असंभव है आज के दौर में, जो
बाजारीकरण का जो दौर चला आ रहा है, तो यहाँ ऐसे ऐसे जगह है, कहाँ कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है तो वो मैं कवर करता हूँ आपके लिए, और पीछे आप देखते हैं कितना शानदार, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है पेड़ पौधों की। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि बाजारीकरण के कारण जो है ये आपको शहरों में देखना करीब करीब असंभव ही है, क्योंकि शहरों में तो बाग बगीचे के लिए अब जगह ही नहीं है। अगर जगह है तो वहाँ पर भवनों का निर्माण कर दिया गया है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ बहुत बढ़िया पेड़, यहाँ पेड़ के पास में यहाँ पर पाइप है, पानी इस सिस्टम से आ रहा है ये। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि पीछे देखते हैं दोस्तों, हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं और यहाँ पीछे एकदम आप देखिए आप कैसे पेड़ पूरा फैला हुआ है, और उसके हम लोग बीच से लेन से जा रहे हैं गली से। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि जो शहरों में जो जगह भी है बाग बगीचों के लिए, वहाँ क्या किया गया है, कॉलोनियों की बात अगर मैं करूँ तो सांस्कृतिक भवन भवन और इस टाइप का काफ़ी वहाँ इमारतों का निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण बगीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा और ना ही बच्चों के खेलने के लिए जगह बनती है, क्योंकि भवनों का निर्माणों के बाद वहाँ पर शादी की पार्टियाँ या फिर वहाँ पर किराए से वहाँ पर अलग अलग चैम्बर बना के रातों रात किराया वहाँ पर चालू हो जाता है। तो ये तो करीब करीब असंभव है दोस्तों शहरों में तो कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर आप समय निकाल के ज़रूर आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और क्योंकि आप अभी हमारा चैनल देख रहे हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं आ पाएँ तो कोई बात नहीं, कम से कम आप देख के अनुभव करें। और आप देख सकते हैं कि हाँ लाखों प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, और बहुत ही बढ़िया अनुभव कर पा रहा हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ दोस्तों इतना बड़ा है कि अलग अलग रास्ते हैं, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, ये एक काफ़ी एक बड़ा प्रश्न का एक विषय है। तो जहाँ भी हो पाता है दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कवर करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बहुत बढ़िया एक गार्डन दिख रहा है, यहाँ एक बड़ा पेड़ दिख रहा है, सॉरी उसको भी मैं कवर करता हूँ आपके लिए। देख सकते हैं आप कितना घना पेड़ है ये, अब काफ़ी लंबा पेड़ है ये, पीछे मैं इस पेड़ की बात कर रहा हूँ। ये और दोस्तों ये पेड़ देखने के बाद मुझे एक और बॉटनिकल गार्डन की याद आ रही है, जो कि कोलकाता में है, बहुत बढ़िया वहाँ पर। वहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा पेड़ है, और जल्दी हम लोग एशिया फिर से उसको कवर करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ग्लास हाउस भी यहाँ पर है, काफ़ी मैंने उसके बारे में सुन रखा था, तो उसको